अगली खबर बेतिया से। नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने लाल बाजार स्थित अपने आवासीय कार्यालय में वार्ड 24 सहित शहर के 500 से ज्यादा छठव्रती परिवारों के बीच दौरा, सुपली, बनारसी साड़ी, नारियल, गागल, अनानास, ईख आदि, मूली, सिंदूर, अगरबत्ती, अर्घी पत्ता, मटर, साठी का चावल इत्यादि छठव्रतियों के लिए वस्त्र में बनारसी साड़ी आदि छठव्रतियों के लिए उपयोगी सामानों 500 से भी अधिक परिवारों के बीच वितरण किया गया। इस मौके पर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी और पवित्रता है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और कर्ण प्रिय मधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास बांटने वाला व्रत है। उन्होंने कहा, शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। यह पौराणिक धर्म ग्रंथों का महत्व नहीं होकर लोक जीवन की सामाजिक मान्यताओं पर आधारित महाव्रत है। इस व्रत के लिए ना तो बहुत ही धन की आवश्यकता होती है, ना ही पुरोहित या गुरु की। मौके पर सुमन देवी सिकारिया, नामिका सिकारिया, नवेंदु चतुर्वेदी का वितरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी छठ व्रती महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ देके अपना व्रत तोड़ती हैं। यह 4 दिवसीय पर्व छठ में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। सभी छठ व्रती महिलाएं जो वार्ड नंबर 24 में आती हैं या उसके अलावा भी जो भी महिलाएं, उनको ये सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। और हमारी कोशिश है कि उनकी छठ की शुभकामनाएँ जो ईश्वर से उनकी मनोकामना है उनकी पूर्ण हो और उनकी निर्विघ्न इनका व्रत पूर्ण हो। धन्यवाद।